हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वे टू डॉक्टर। आज हम आए हुए हैं अपने निप्रो सिटी के इस्कॉन टेंपल पे, और इस्कॉन टेंपल के मैं अभी जस्ट बाहर हूँ। और इसके बाहर आके मैंने पहला ब्लॉगिंग को स्टार्ट किया, और अभी मैं अंदर जाऊँगा तब आपको दिखाऊँगा कि अंदर ये कैसा है और कितना अच्छा बना हुआ है। मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, बट मैंने कभी वीडियो बनाने के बारे में नहीं सोचा था। बट मैंने सोचा क्यों ना लोगों को दिखाया जाए। और मेरी एक कमेंट पे एक कमेंट था, क्या यूक्रेन में मस्जिद या मंदिर है? तो मैं उस कमेंट के बिहाफ में ये उसका क्वेश्चन का आंसर देते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई जिसने भी कमेंट किया था, मैं ये वीडियो उसके लिए। तो बस शुरू करते हैं। तो ये मेन गेट है, और इस गेट के पीछे आपको जो बिल्डिंग दिख रही है, वहां पे मैं बाद पे ले जाऊंगा जब मंदिर से आके आऊंगा। वो एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे इंडियन फूड मिलता है, और ये मंदिर का गेट है, और इस गेट के थ्रू आपको एंट्री मिलेगी। दिस वन इज फर्स्ट गेट। यूक्रेन में ठंड बहुत होती है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे हर जगह दो गेट मिलेंगे, और इस गेट से घुसते ही आपको ऐसे मिलेगा। शू वगैरह रैक्स हैं, यहाँ पे अपना शू आप उतारिए, और उधर एक आदमी रहेगा जय श्री कृष्णा, और आपको देखो उन्होंने अच्छे से किया। तो मैं यहाँ पे अपने शूज रखता हूँ जल्दी से, और फिर आपको मैं अंदर ले चलता हूँ। देखिए लोगों ने अपने शूज संभाल के रखे हैं, और अभी मैंने जैकेट भी पहन रखी है, तो मैं आपको जैकेट भी दिखाऊंगा वहाँ पे रखते हैं। यहाँ से मंदिर का गेट स्टार्ट होता है, और इधर आप आवाज़ सुन रहे होगे, थोड़ी थोड़ी पीछे से आवाज़ आ रही होगी, और यहाँ पे लाइट कम है, बट उसी जिसमें दिखाता हूँ यहाँ पे जैकेट लोगों ने रखी है। तो बस मैं जल्दी से अपनी जैकेट रखता हूँ और आपको आगे का दृश्य दिखाता हूँ। अभी मैंने एक अंकल से बात की, तो उन्होंने यहाँ की लाइट जलाई कि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ। देखिए लोगों ने अपनी जैकेट रखी हुई है, और ये लोग सेल्फ में रखते हैं जाके, वहाँ पे कोई यहाँ पे है नहीं। आप अपनी जैकेट रखिए, और मेरे ये यहाँ पे दान पेटी है, और इस साइड कैंटीन है, यारे जय श्री कृष्णा। और इन्होंने ये आप मार्केट लिख के दिख रहा होगा, इसके अंदर आपको सामान मिलता है, टाइम है 9 से 12। मैंने परमिशन ली अभी अंदर जाके, एक गुरु थे, उन्होंने बोला कि 1 बजे से आरती होनी है, तो मेरे को उन्होंने परमिशन दी कि आप वीडियो बना सकते हैं। उनके परमिशन लेने के बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है नो फोन अलाउड, और साउंड तो कर नहीं सकता। मैंने बात की तब उन्होंने परमिशन दी है, तो चलो अंदर दिखाता हूँ आपको क्या है। आप अंदर देख रहे होंगे कि यहाँ पे काफी सुंदर सा बना हुआ है, ये यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल है, और यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं इंडियन सामने। जैसा कि आप उधर देख रहे होगे, कोई भी इंसान आता है तो वो इस तरह भगवान को अभिनंदन करता है, और इस अभिनंदन के बाद वो इस रूम को छोड़ते हैं, और वो वापस जा रहे हैं मेरे हिसाब से अपनी माला को जपने। मैं जब अभी थोड़ी देर पहले आया था तो उनको देखा था कि अपनी माला जपे। देखो उन्होंने अपनी माला को हाथ में वापस लिया और उसको किया है। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ उस एरिया को। देखिए उन्होंने अपनी माला को हाथ में फिर से पकड़ा, शायद वीडियो फट रहा हो, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। देखो उन्होंने अपनी माला को हाथ से फिर से बांध दिया, और मैं थोड़ा सा वीडियो छोटा करता हूँ, और वो फिर से राधे राम का राम जपन करने लगे। सो चलिए भजन जो हो रहे हैं वो आपको सुनाता हूँ, और उसके बाद आपको और वीडियो दिखाऊंगा, तो बने रहिए साथ अंत तक आप मेरे।
ये देखिए हमारी भगवत गीता को इन्होंने यूक्रेनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लिया है। कृष्ण लीला और कृष्ण भगवान की बारे पे सब कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे सारी बुक्स आपके लिए अवेलेबल है, आप कोई बुक खरीद भी सकते हो। सो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ब्लॉग के लास्ट में मैं आपको ये रेस्टोरेंट भी दिखाऊंगा। इस पे देखिए कृष्ण भगवान की फोटो है और ये कृष्ण रेस्टोरेंट करके कैफे करके लिखा हुआ है यहाँ पे रेस्टोरेंट पे। इसकी टाइमिंग भी लिखी हुई है यहाँ पे, ये 10:30 से 21, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हो। और इसके अंदर क्या मैं जाऊँ, क्योंकि मेरे को इसके अंदर जाने का कोई वैलिड रीजन नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी है अभी और हम लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ से। सो बस अंदर का नज़ारा आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं तो वहाँ पे खो सा गया था, बट हॉस्टल भी जाना है। वेदर तो आप देख ही रहे हैं एज यूजुअल, यूक्रेन का जैसा है वैसा ही है, काफ़ी ठंड है यहाँ पे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करो मेरे इस चैनल को। मैं इसी तरह नए नए वीडियो लाता रहूँगा, और सून मैंने कुछ और करने को सोचा है। यूक्रेन के बारे में आपको एक्सप्लोर करूँगा, और भी जहाँ पे भी जाऊँगा उसके बारे में आपको दिखाऊँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सपोर्ट करें एज यूजल, जो हमेशा कहता हूँ, वे टू डॉक्टर फैमिली को हमें बहुत बढ़ाना है, और हमें मिलके एकजुट होके इस फैमिली को आगे बढ़ाना है। सो टेक केयर, सी यू, बाय बाय, मीट यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।